मेरा नाम नेथन है और जबकि मेरे शरीर पर कहीं भी टैटू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टैटूज का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा टैटू बनवाना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बनवाने नहीं दिया। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे सभी दोस्तों ने टैटू करवाया सिवाय मेरे, और इसका कारण बहुत ही सरल था। मैं अक्सर सभी को ये कहा करता था कि मुझे उस सुई से डर लगता है, लेकिन ये झूठ है। हर बार जब भी मैं उस टैटू मशीन की आवाज सुनता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। पहली बार जब मैं गैब्रियल से मिला, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट थी, तब मैं अपनी एक दोस्त के साथ उसका टैटू बनवाने जा रहा था और मैंने सोच रखा था कि मैं अगले महीने ही टैटू बनवा लूंगा। लेकिन जब नैन्सी ने कहा कि मैं उसके साथ चलूं और देखूं कि मुझे किस चीज का सामना करना है, तो मुझे एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं हुई। क्या तुम टैटू ना करवाने के बारे में सोच रहे हो? मेरे ऊपर टैटू बनने वाला है तो फिर उसमें तुम क्यों इतना डर रहे हो? मुझे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं हम किडनैप तो नहीं हो जाएंगे और हमारे अंक को कहीं और बेचा जाएगा। तुम पक्का इस टैटू बनाने वाले को जानती हो ना? दरअसल नहीं। नैन्सी, ये क्या बकवास है? लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका भरोसा किया जा सकता है। मेरी एक सहेली ने मुझे इसके पास भेजा है। उसने मुझे बताया है कि ये काफी अच्छा काम करती है और पैसे भी कम लेती है, शायद बहुत ही ज्यादा सस्ती। मुझे तुम्हारा अंग बेचने का आइडिया अच्छा लगा। एक दुकान की खुली हुई खिड़की से एक औरत ने हमें झांक कर देखा। वो बहुत ही ज्यादा पतली थी और उसकी आंखों का रंग लाल था, जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद उसने लेंस लगाए हुए हैं। ओह, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तुम्हें माफ किया डार्लिंग, अंदर आ जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें वाकई अगवा कर ले। जैसे ही हम अंदर गए तो हमने टैटू बेड और बहुत से अलग अलग टूल्स देखे। वो जगह काफी साफ सुथरी लग रही थी और बाहर जैसी दिख रही थी, वैसे तो अंदर से बिल्कुल नहीं थी। बिना ज्यादा वक्त गवाए उस टैटू आर्टिस्ट ने फौरन टैटू बनाने के लिए लगने वाला सामान इकट्ठा कर लिया। मैंने नैन्सी को कभी इतना खुश नहीं देखा था और शायद उसको पता ही नहीं चला कि उसकी टैटू वाली उसे नहीं बल्कि मुझे देख रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन जैसे जैसे कुछ मिनट बीतते गए उसकी आंखें पागलों की तरह मुझ पर गड़ी रही। और तो और, अब इतनी देर हो चुकी थी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर नैन्सी उसे ये सब करते देख भी ले तो। मेरी दोस्त बेड पर लेटी हुई थी और बस ऊपर बनी दीवार की तरफ देखती रही, जबकि गैब्रियल उसकी बाएं बाजू पर टैटू बना रही थी। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। और तुम्हें, क्या तुम भी टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो? उसने एकदम से मुझसे सवाल किया। अभी तो मुझे नहीं पता, शायद मैं कभी करवाऊं। क्या बात कर रहे हो नेथन, तुम तो टैटू करवाने के लिए मरे जा रहे थे। गैब्रियल को वो जवाब पसंद नहीं आया। उसने कुछ देर तक मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर वहीं पागलों वाली मुस्कान के साथ देखने लगी, जैसे वो मुझे पहले देख रही थी। हो सकता है उसे टैटू करवाने से डर लगता हूँ। शायद तुम सही कह रही हो। तुम जानते हो नेथन, तुम्हें टैटू करवाने से नहीं घबराना चाहिए, तुम्हें इस दर्द को खुले दिल से अपनाना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। मैं सच कह रहा हूँ, उसके लाल रंग के लेंस उस समय जैसे चमकने लगे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत मेरे आर पार देख रही थी। आउच, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना डियर, मैं एक नाजुक हिस्से पर टैटू कर रही थी। शुक्र है कि नैन्सी ने बस एक छोटा सा ही टैटू करवाया था, इसलिए हमें वहां एक घंटे से ज्यादा नहीं बैठना पड़ा। उस वक्त भी गैब्रियल ने एक पल के लिए भी मुझसे नजरें नहीं हटाई और अपनी भयानक मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। उसके बाद के कुछ दिन और भी ज्यादा बदतर निकले। गैब्रियल मुझे मैसेज करने लगी, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता रहा। मुझे उसे बहुत ही बुरी वाइब्स आती थी। समय ने यह बात साबित कर दी थी कि मेरा वो फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके बाद उसने मेरे हर सोशल अकाउंट पर मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया और उसके मैसेज का कोई सर पैर भी नहीं होता था। कभी कभी तो वो खुद से ही बातें करती थी जबकि मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। फिर वो मुझे बेइज्जत करती और अचानक वो फिर से मुझसे ठीक से बात करने लगती। हर बार जब मैं उसे ब्लॉक करता तो वो मुझे एक नए अकाउंट से फॉलो कर लेती। उसके कुछ ही समय के बाद वो मुझे गली में दिखने लगी या फिर तब जब मैं शॉपिंग के लिए निकलता। वो मेरे पास नहीं आती थी, बस दूर से मुझे हाय का इशारा करती, जैसे वो मुझे बता रही हो कि वो मेरा पीछा कर रही है। मैं जानता हूं कि मुझे इतनी हिम्मत जुटा लेना चाहिए थी कि मैं उसे जाकर ये कह सकूं कि वो मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा से ही ऐसा इंसान रहा हूं जो हर कीमत पर कभी भी खुद से जाकर किसी से बात करने से बचता है। मैंने उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं की और इसलिए शायद उसे इस वजह से मुझे परेशान करने का मौका मिलता गया। वो बस मुझे देखकर अपना हाथ हिलाती और मुझे उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरी इस नजरअंदाजगी का नतीजा मुझे कुछ दिन बाद पता चला। मंगलवार की एक सुनहरी दोपहर में जब मैं अपने घर से निकला तो गली बिल्कुल खाली थी।
जैसे ही मैंने कुछ कदम अपने घर से बहार निकाले, मैंने अपने आंखें किसी की परछाई देखी, और जब मैंने पीछे मुड़कर उस शख्स को देखने की कोशिश की, उससे पहले ही एक हाथ मेरे मुंह के आगे आया और उसने मेरी नाक पर रुमाल रख दिया। अचानक मुझे चक्कर आने लगे और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उस टैटू पार्लर के अंदर था और मेरे सामने गैब्रियल ट्यूनिक पहनकर खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे पागलों की तरह देख रही थी। तो आखिरकार तुम ठीक है डियर? बात करने की तकलीफ मत उठाओ, तुम्हारी कोई भी बात इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। नेथन, मैं तुमसे तब से प्यार कर बैठी हूं जब से मैंने तुम्हें पहली बार अपनी खिड़की से देखा था। कम ऑन, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो और ना मैं तुम्हें, लेकिन मेरा प्यार इन सब बातों को नहीं समझता। मैं हैरान बैठा रहा और गैब्रियल ने अपनी ट्यूनिक उतारी और मुझे अपना शरीर दिखाया। उसने बिकिनी पहनी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे, उसने एक दिल बनाकर उसके अंदर एन लिखा हुआ था, उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और सूज चुका था, वो टैटू ताजे थे। जाहिर है कि मैं तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में प्यार नहीं करती, बल्कि मुझे तुम्हें देखकर जो महसूस होता है उस चीज से प्यार है। वो दर्द जो मुझे महसूस होता है जब मैं तुम्हें अपने दोस्त से बात करते हुए देखती हूं, मुझे तुम्हें दर्द देने का बहुत मन करता है। मेरे शरीर की तरफ देखो नेथन, क्या तुम जानते हो कि ये सब करने में मुझे कितना दर्द हुआ होगा? मैंने बहुत जोर से सुई अपने अंदर गाड़ी और ये सब मैंने खुद किया है, यहां तक कि अपनी पीठ पर भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार ही कर सकता है नेथन। हम अपने काम के लिए जोशीले होते हैं, भावुक होते हैं, और यही भावना मुझे पसंद है। और क्या तुम जानते हो कि खुद को दर्द देने से ज्यादा क्या बेहतर है? किसी और को दर्द देना। नेथन, मैं अपने नाम का अक्षर तुम्हारे पूरे शरीर में गोदूंगी, और तुम्हें पता है क्या, मैं स्याही का इस्तेमाल नहीं करूंगी बल्कि खून का इस्तेमाल करूंगी। फिर वो अपने हाथ में टैटू की मशीन को चलाकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी, जैसे उसे मुझे घबराया हुआ डरा हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा हो। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था, मैं इस पागल औरत की रहम पर जी रहा था। अचानक किसी ने टैटू पार्लर के दरवाजे पर खटखटाया और जैसे ही उसने आवाज सुनकर अपना सर घुमाया, मैं उस मौके का फायदा उठाते हुए उठा और पूरी जान लगाते हुए मैंने उसे धक्का दे दिया। गैब्रियल का सर एक दीवार से जा टकराया और वह हक्की बक्की रह गई। उसके लिए कुछ सेकंड्स तक उठना मुश्किल हो गया। इसी बीच मैं उस कमजोर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। बच्चे, तुमने गलत पंगा ले लिया है, अब मैं तुम्हारे शरीर पर चाकू से टैटू करूंगी। गैब्रियल ने टेबल से उठाकर अपने हाथ में चाकू लिया और पूरी तेजी के साथ मेरे पास आने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे करीब पहुंचती, मैंने एक आखिरी बार दरवाजे को धक्का लगाया और वो खुल गया। उसने मेरा पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई और रुक गई कि उसके सामने दो पुलिस ऑफिसर खड़े थे जिनके हाथ में गन थी। कुछ मिनट के अंदर मुझे खोल दिया गया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की कि आखिर क्या हुआ, और बाकी पुलिस वाले गैब्रियल को ले गए। जो मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं, तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि वो नहीं जानते थे कि अंदर कौन है। वो तो वहां इसलिए आए क्योंकि पड़ोस से किसी ने शोर आने की आवाज से उन्हें शिकायत की थी। उस दिन के बाद से मैं अभी भी टैटू करवाने का शौकीन हूं, लेकिन कभी करवा नहीं पाया। जब भी मुझे उस मशीन की आवाज सुनाई देती है तो मुझे वो याद आती है कि धीरे धीरे वो मेरे पास आ रही है, ताकि वो अपने नाम का अक्षर मेरे शरीर पर गाड़ सके। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूं। टैटू बनवाने के लिए मेरे पास अलग अलग जाति और उम्र के लोग आते हैं। कभी कभी वो मुझे बता देते हैं कि उनको क्या बनवाना है, और कभी कभी मैं अपने काम से उन्हें एक विकल्प देने में मदद करती हूँ। मेरे इस पेशे के कारण मैं हर तरह के लोगों से मिलती हूँ। गुस्से वाले लोग, बदबूदार लोग, सहज स्वभाव वाले लोग और अच्छा बर्ताव करने वाले लोग। लेकिन इस बार एक विशेष ग्राहक ने मुझे बुरी तरह डरा दिया। मंगलवार की एक व्यस्त शाम का समय था, शायद करीब 7 बजे। मैं एक लड़के के हाथ पर बटरफ्लाई बनाने का काम खत्म कर रही थी जब स्टूडियो का दरवाजा जोर से खुला। ब्लू जीन्स और गंदी पीली टी शर्ट पहनकर एक आदमी अंदर घुसा। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूरे स्टूडियो को देखा और फिर उसका ध्यान मेरी तरफ गया।
जैसे ही हमारी आंखें खुली उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान आ गई। क्या तुम ही यहाँ के टैटू आर्टिस्ट हो? हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, बढ़िया। ऐसा कहते हुए वो बड़े ही आराम से सोफे पर बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। मैं ये बात देखकर हैरान थी। वो लड़का उस आदमी को देखकर शायद बहुत डर गया था, इसलिए घबराने लगा। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसने मुझे पैसे दिए और अपने घर भाग गया। उस आदमी ने उस लड़के का डरता हुआ चेहरा देख लिया था। लड़के को उसकी उपस्थिति से डरा हुआ देखकर वो खुद ब खुद हंसने लगा। अब आप आ सकते हैं। वो आदमी कुर्सी की तरफ आया और पहली बार मैंने उस आदमी के चेहरे को इतने करीब से देखा। उसके पूरे चेहरे पर पहले से ही बहुत टैटू थे। उसने अपनी आंखों के आसपास ऐसा पैटर्न बनवाया हुआ था जिससे उसका चेहरा जोकरो जैसा लग रहा था। उसकी गर्दन और गालों पर सांप का टैटू बने हुए थे। तो क्या आपके दिमाग में कोई डिजाइन है? उसने अपनी जैकेट से एक छोटा कागज निकाला और कहा, मैं चाहता हूं कि ये डिजाइन मेरे माथे पर बनाओ। मैंने कागज खोला और देखा कि वो एक पेंटाग्राम था जिसके बीच में एक शैतान का सर बना हुआ था। ये मेरे लिए पहली बार नहीं था कि मैं कोई अजीब टैटू बना रही थी, इसलिए मैंने एक पेशेवर के तौर पर ही बर्ताव किया। हाँ जरूर। मैंने अपना काम शुरू किया और उस आदमी ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। वो मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल करने लगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? क्या तुम जानती हो कि इसका क्या मतलब है? हाँ ये एक पेंटाग्राम है। ये कोई आम पेंटाग्राम नहीं है लेडी। तो फिर क्या है ये? ये बाफोमेट का सिजिल है, अंधेरे के देवता। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? भले ही मेरे पास नजरअंदाज करने की क्षमता थी लेकिन फिर भी कम से कम बात करने के लिए मैंने जवाब दिया, हाँ। तो फिर तुम्हें शैतान पर भी विश्वास होना चाहिए क्योंकि शैतान सच में होते हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैंने उसे लात मार कर बाहर निकाल दिया होता, लेकिन मैंने अपने काम से काम रखने में ही भलाई समझी और उसका काम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस टैटू बनाती रही। मैंने अपने हजारों ग्राहकों को एक से ज्यादा टैटू बनवाने के बावजूद सुई लगते ही घबराते हुए देखा है, लेकिन वो आदमी पत्थर की तरह मजबूत था। वो ना हिला ना ही उसने एक बार भी उफ किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। थोड़ी सी देर की खामोशी के बाद वो फिर बोला, मुझे आज भी याद है जब मेरे अंकल ने मेरे ऊपर ईंट फेंक कर मारी थी, जैसे कि वो एक 9 साल के बच्चे के साथ करने वाला कोई मजाक हो। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन वो उस दिन मुझे बचाने के लिए नहीं थे। मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरे अंकल के कोई सबक नहीं सिखाया। इसलिए एक रात मैंने उनकी शेविंग क्रीम में सुपर क्लू मिला दिया। मुझे आज भी उनकी चीखें याद हैं जब उनके चेहरे से उनकी त्वचा खींचकर बाहर आई। कितना मजेदार दिन था। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी और मेरे अंदर कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से मैं एक रोबोट की तरह अपना काम करती रही, जैसे कि उस एक घंटे के लिए मैं उसकी गुलाम थी। मैं चाहकर भी रुक नहीं सकती थी और ना ही उसे ना कह सकती थी। वो बाकी के पूरे समय तक चुप रहा और जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे हाथ सुन पड़ गए हों। वो उठा और शीशे में खुद को देखने चला गया। तुमने अच्छा काम किया है। शुक्रिया। उसने मुझे मेरे पैसे पकड़ाए और पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई। अब तुम्हारे अंकल कहां हैं? मेरे सौतेले बाप के साथ नरक में सड़ रहे हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तब वो बदजात आदमी मुझे बेल्ट से बहुत मारता था। वो मुझे हमारे घर के पीछे बने गार्डन पर लगे पेड़ पर बांधता और तब तक मारता जब तक मैं दर्द के मारे बेहोश नहीं हो जाता। पता है मैंने उसके साथ क्या किया? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बिल्कुल एक चीता की तरह। मैंने फुसफुसा कर कहा, क्या? मैं हर रात उसके खाने में ब्लीच मिला देता, कभी सूप में तो कभी करी में। और जब मैं हर सुबह उसे उल्टी करते हुए सुनता तो मैं अपने कमरे में बैठकर तालियां बजाता। धीरे धीरे उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। सभी को लगता है कि वो आदमी दिल का दौरा पड़ने से मरा था।
उम्मीद करता हूं कि अब उन दोनों को इस बात पर पछतावा होता होगा कि उन्होंने मेरे साथ किस तरह का बर्ताव किया। तुमने उन्हें मार डाला? क्या तुम पुलिस को बुलाओगी? नहीं नहीं। क्यों? क्या तुम पुलिस को फोन मिलाने तक के लिए थके हुए हो? जाओ करो, पुलिस को फोन करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। मुझे लगा कि मैंने एक कदम भी बढ़ाया तो ये पागल मुझ पर कूद पड़ेगा और सच में मेरा कत्ल कर देगा। जब उसे पता चला कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ चला गया। निकलने से पहले उसने एक आखिरी बार और मुड़कर देखा और मुझे बाय का इशारा किया। आशा करता हूं कि तुम्हें मुझे दोबारा ना देखना पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को फोन करना मत भूलना। और फिर वो चला गया। मुझे नहीं याद कि मैं उस रात घर कैसे गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। महीनों बाद मैं अपने अपार्टमेंट में टीवी देखते हुए खाना खा रही थी। मैंने गलती से न्यूज चैनल लगा दिया और उसे देखा दोबारा। सेटन को पूजने वाले उस पागल की हेडलाइंस आ रही थी। कल रात 36 साल की एक औरत कर्न काउंटी मोटेल में मरी हुई पाई गई। 6 बच्चों की यह मां शायद सोने जा रही थी जब जेमी नाम का एक कातिल उसके कमरे में आ घुसा और उसने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि उस औरत का पहला गला घोटा गया और फिर उसकी पीठ पर चाकू से वार करके उसकी हत्या की गई। पुलिस उस आदमी की तलाश कर रही है और उनके पास बहुत से लोग आ रहे हैं जो उन्हें उस आदमी को ढूंढने और उसका हुलिया बताने में मदद कर रहे हैं। मोटेल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि उन्होंने हत्या होने से पहले दिन में एक संदिग्ध आदमी को यहां देखा था। गवाह कहते हैं कि उसके पूरे चेहरे पर टैटू बने हुए थे और यहां तक कि उसकी बाकी शरीर पर भी टैटू ही टैटू थे। उसके माथे पर पेंटाग्राम का टैटू भी था। पुलिस को लगता है कि आदमी एक सेटन था, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। बिना किसी शक के यह बात तो साबित हो चुकी है कि यह हाल ही में हुए काफी अपराधों में से सबसे भयानक कत्ल था। आखिरकार पुलिस ने जेमी को गिरफ्तार कर लिया और इसमें उनकी मदद उसकी खुद की बीवी ने की थी। जिस बात से मुझे और भी ज्यादा हैरानगी हुई वो ये थी कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। जब उसे कोर्ट ले जाया गया तब भी वो मुस्कुरा रहा था और कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह उस रात को उसने मुझे देखकर बाय कहा था। ये बात मुझे हर रात सताती है कि मेरा ग्राहक एक साइकोपैथ किलर था, जबकि मुझे ये जानकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसका बचपन बहुत ही मुश्किल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसने उस बेचारी औरत को क्यों मारा। शायद से उसके ऊपर हुए इतने अत्याचारों ने उसके अंदर का शैतान जगा दिया होगा, या फिर वो शुरू से ही एक पागल था। आपको क्या लगता है? अभी टैटू के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। इतना मुश्किल कि मैं कोई टैटू देख भी नहीं सकती, क्योंकि उससे मुझे याद आने लगता है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। उस वक्त मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी और अब मुझे ये बात याद कर बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैं कितनी नादान और बेवकूफ थी। जैसे ही मेरी उन लड़कियों से दोस्ती हुई जिन्होंने टैटू बनवाए हुए थे, तो मुझे भी एक बनवाने का शौक चढ़ गया। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं चाहती थी कि मैं भी उन लड़कियों की तरह लगूं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे डैड। कम ऑन डैड, प्लीज। मैंने मना किया ना जैसी। क्यों नहीं, आप मुझे एक अच्छी वजह दीजिए। क्या तुम सच में मुझसे वजह पूछ रही हो? भगवान ने बहुत ही सीधे सीधे कहा है कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए और तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो ताकि बाद में पछता सको। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से खफा हूं कि तुमने मुझसे ये बात पूछी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो उस वक्त बहुत ही कठोर थे, लेकिन वो अपने कैथोलिक धर्म के असूलों को लेकर बहुत ही स्पष्ट थे। मैं नहीं पछताऊंगी डैड। तुम पछताओगी। तुम्हें आखिर ऐसे ख्याल आते कहां से हैं? छोड़ो। मेरे दोस्तों के ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम था रोजा और उसके बहुत सारे टैटूज थे, लेकिन उसे और टैटू चाहिए थे और यहीं से वो सब शुरू हुआ। लेकिन मुझे एक नया टैटू आर्टिस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिससे मैं हमेशा टैटू बनवाती थी वो तो शहर छोड़कर जा चुका है। जैसी, क्या तुम ठीक हो? तुमने अपने पेरेंट्स को ये सब करवाने के लिए राजी कैसे किया? मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता भी है कि मेरे शरीर पर टैटू बना हुआ है। तो फिर तुमने कैसे? अगर मैं एक सही जगह पर जाऊं तो मुझे इजाजत की कोई जरूरत नहीं है।
क्या तुम करवाना चाहती हो? कुछ दिन बाद रोजा के एक दोस्त ने उसे एक टैटू आर्टिस्ट का नंबर दिया जो हमारी मदद करने वाला था। वो शनिवार का दिन था जब हमने उस जगह पर जाने का फैसला किया। मेरी दोस्त और मैं बड़े शहर से निकलकर एक छोटी सी बदबूदार गली में आ गए। रोजा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आओ, हमें इस तरफ जाना है। वो और मैं एक सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे जिसका रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा था। मैं डरी हुई थी जैसे उसने कहा। वो बिल्डिंग बारिश के बाद गीली पड़ी हुई थी और वहां की लाइट्स बहुत ही धीमी थी। वो ऐसी जगह नहीं लग रही थी जहां मैं होना चाहती थी। जैसे ही रोजा हमारे सामने बने एक दरवाजे को खटखटाने जाने लगी, मैंने उसका हाथ रोक दिया। रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही जगह है? जैसी उसने अपना हाथ झटकाया, इसलिए मैंने भी उसे छोड़ दिया। क्या उम्मीद लेकर आई थी तुम? अगर तुम्हें गैर कानूनी तरीके से टैटू करवाना है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जगह बहुत ही बढ़िया बनी होगी? क्या तुमने ये सोचा था कि उसकी दुकान शहर के बीचों बीच होगी? आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ, वो इसी तरह हमारा टैटू बनाएंगे, इसी तरह के अंधेरे में, शहर के छुपे हुए कमरे में, समझी? और अगर तुम्हें ये करवाना है तो इसे मानना ही पड़ेगा। बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए मैं बस उसे देखती रही। रोजा ठीक कह रही थी, इसलिए अब मैं दोबारा शिकायत नहीं करने वाली थी। इस बार उसने दरवाजा खटखटा दिया। कुछ सेकंड्स के बाद किसी ने अंदर से आवाज दी। कौन है? मेरा नाम रोजा है, शायद मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी। मैं रोजा। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। उस औरत की आवाज बहुत अजीब थी, जैसे उसे बहुत नींद आ रही हो। खैर, इसके बाद जो आवाज थी हमें वो सुनाई दी, वो थी ताला खुलने की। और फिर जाकर दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत बाहर निकली जो काफी मोटी थी। उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे और उसके बाल संतरी रंग के थे। वो बाजू हटी और उसने कहा, जल्दी करो, मैं नहीं चाहती कि और भी चूहे आ जाएं। रोजा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींचकर अंदर ले गई, क्योंकि मैं खुद एकदम पुतले की तरह खड़ी थी। जैसे ही मैं उस औरत के बगल से निकल कर गई, मेरी नाक बहुत ही तेज बदबू को सूंघती हुई गई। आप दोनों हॉल के पहले दरवाजे तक जाइए। ऐसा कहने के बाद मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। जैसे कि उस औरत ने कहा था, हम हॉल के पहले दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन मुझे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। हॉल में जो लाइट जल रही थी वो लगातार फड़फड़ाती रही और दीवारों पर बहुत नमी थी क्योंकि बहुत ठंड थी। तो ये सब आम बात है ना रोजा? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब दे पाती, जिस दरवाजे के सामने हम खड़े थे वो खुल गया। इस बार हम एक आदमी से मिले जिसके लंबे काले बाल थे और उसकी दाढ़ी भी थी। उसके भी उस औरत की तरह बहुत सारे टैटू थे, लेकिन उन दोनों में एक बहुत ही खास चीज अलग थी। इस आदमी के चेहरे पर ठीक उसकी बाएं आंख के नीचे एक आंसू का टैटू था। तुम दोनों जरूर ही रोजा और जैसी होगी। मैं लेक्स हूं। क्या तुम्हारे पास कैश है? हाँ जरूर। बहुत बढ़िया, शर्लिन तुम्हारा टैटू बनाएगी, रोजा और जैसी मैं तुम्हारा। मेरी नजर घूम फिर के दोबारा रोजा की तरफ गई, लेकिन वो तो बहुत शांत लग रही थी। ठीक है, आओ रोजा। मेरी दोस्त को उस औरत के साथ दूसरे कमरे में जाने में वक्त नहीं लगा। क्या तुम दरवाजा बंद कर सकती हो जैसे? मैंने वही किया जो उसने कहने को कहा, और दरवाजा बंद करते ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद हो गया हो। उस कमरे में कोई भी खिड़की नहीं थी। आओ बैठो, तब तक मैं सारा सामान रख लेता हूँ। ठीक है। बैठकर मैंने देखा कि उसने बहुत सारी काली इंक भरना शुरू कर दिया। तो तुम किस तरह का टैटू बनवाना चाहती हो? वेल, शायद कोई तितली या फिर कोई फूल। दरअसल मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो आदमी अचानक से ही चुप हो गया। तुम्हारी इस चीज में मदद करूं? क्या तुम कोई बच्ची हो? एक्सक्यूज मी? या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें करवाना है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चूजा जंगल में खो गया हो, या फिर उससे भी बुरा, जैसे कोई चूहा, वो होता है ना, जब वो अपने पिंजरे में चीज ढूंढ रहा होता है। क्या मुझे वो कमेंट्स लेने चाहिए थे? कुछ ही मिनटों पहले रोजा तो बहुत शांत लग रही थी, इसलिए मुझे लगा कि उसके भी इसी तरह के अनुभव रहे होंगे। बेशक मुझे ये चाहिए। तुमने तो अब तक तय भी नहीं किया है। एक डेजी, मुझे अपनी बाजू पर एक डेजी का फूल बनवाना है, प्लीज। ठीक है। जैसे उस आदमी ने मेरी बाजू पकड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा जब उसने मेरे हाथ पर टैटू बनाना शुरू कर दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। जैसे कि यह सब काफी नहीं था, वो अजीब सी बदबू जो मुझे उस औरत में से आ रही थी वो यहां भी थी। ये बदबू कैसी है? क्या तुम जानती हो जैसी कि मेरे चेहरे पर बने इस टैटू का क्या मतलब है? उस आदमी ने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल पूछा। ये आंसू,
क्या इसका कोई खास मतलब ही है? ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बेवकूफ हो। क्या? कुछ कारण की वजह से मुझे चक्कर आने लगे? अगर तुम इतनी सीधी नहीं होती तो तुम्हें पता होता कि आज तुम मरने वाली हो। मेरे पास उस आदमी को जवाब देने या जगह रहने की हिम्मत नहीं थी। जो मेरी आँख खुली तभी मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं बात कर पा रही थी। वो आदमी मेरे सामने था, शेल्फ के सामने खड़ा होकर कुछ सामान देख रहा था। हे, मैं एक बहुत ही छोटे से कमरे में थी और मैं ये जानकर और भी ज्यादा परेशान हो रही थी कि मैं बंधी हुई हूँ। आखिर तुम क्या कर रहे? मुझे ये तुम जैसे बेवकूफ बच्चों पर करना अच्छा लगता है। वो मेरे करीब आने लगा। रुको, तुम इसी के लायक हो जैसी। मुझे तुम्हारी स्किन की जरूरत है। मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूं ताकि मैं पैसे कमा सकूं। तुम इसी के लायक हो क्योंकि तुम बेवकूफ हो। जब वो मुझे किसी टूल से तकलीफ देने लगा तो मैं चिल्लाई, और जब वो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं बेहोश हो गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक कूड़ेदान में थी। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और यहां तक कि मेरी गर्दन पर एक गहरा कट भी था और बाकी पूरे शरीर पर स्क्रैचेस पड़े हुए थे, लेकिन मैं जिंदा थी। कुछ लोगों ने मुझे पुलिस स्टेशन में जाने में मदद की, जहां मैंने उन्हें वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ। बदकिस्मती से रोजा की लाश पुलिस को काफी घंटों बाद मिली, लेकिन उस टैटू आर्टिस्ट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और आज तक पुलिस उन्हें ढूंढ रही है।